भाई साहब अपने कैंप से हम हो रहे आउट। सिद्धार्थ भाई ये खड़े और हम ये खड़े, निकलने की पूरी तैयारी। भाई कह रहा है फोटो वोटो खिंचवा दो, तो हमने कहा खींच लो भाई। तो चीते तैयार है ना, यहां से निकलना है ताबड़तोड़। भाई ग्रीनरी बहुत है, तो अभी जो टाइम हो रहा है मेरे ख्याल से 12 बज रहे होंगे, तो हम निकल गए अपनी मंजिल से। थोड़ा सा ह्यूमिडिटी हो गई है बिकॉज यहाँ पे भी सुबह मॉर्निंग में धूप हो जाती है। कल तो बारिश वाला मौसम था पर आज बारिश नहीं है बिल्कुल भी, मौसम बिल्कुल साफ है। तो अब आपको दिखेगा कितने खतरनाक रास्ते से हम आए थे, क्योंकि कल बारिश की वजह से मैं आपको अच्छे से दिखा नहीं पाया था। तो अब ऋषिकेश से हम सीधा दिल्ली के लिए गाड़ी लगाएंगे। पहले हमारा प्लान था मसूरी का भी, बट हमने आप मसूरी का प्लान अब कैंसिल कर दिया है। तो यहाँ से सीधा जाएंगे हम दिल्ली। ऐसा ये वाला व्यू देखो आप, कितना तगड़ा व्यू है। और हमारी सिंगिंग बाइक कहाँ है? ये रही अपनी सिंगिंग बाइक। नज़ारे देखो यार, एकदम चैन मैन पहाड़ वगैरह है, देख रहे हो? ये सब लैंडस्लाइड है। नीचे देखो वो अपना फ्लाईओवर, उस फ्लाईओवर पे जाएंगे हम। यहाँ से देखने से कितना पास लग रहा है पर भाई बहुत दूर है वो भी। सिद्धार्थ भाई अपनी आर आर 310 पे सिंगिंग बाइक है ये। डांसिंग कार आपने पीके में सुनी होगी, ये सिंगिंग कार है अच्छा, हमको सिखा रिया है। जो गाने बजाती है और पता नहीं क्या क्या बजाती है कभी कभार। तो यार समझ रहे हो, समझ रहे हो आप? तो इससे भी एक व्लॉग बनाएंगे हम स्पीकर्स के ऊपर, क्योंकि रिसेंटली जो मेरी सिद्धार्थ जी से बात हुई है बाइक से, तो कुछ बता रहे थे कि 30 से 35 हज़ार रुपये के स्पीकर्स आए। ये फुल्ली वाटर प्रूफ है, ये इनको बारिश के पानी से कोई दिक्कत नहीं है। तो 30 से 35 हज़ार रुपये के स्पीकर बाइक के अंदर, भाई साहब इतने में तो घर का एक होम थिएटर आ जाता है। ये देखो यार पानी कैसे बहता हुआ आ रहा है। देखो यहाँ पे बिल्कुल साफ पानी होता है, बट यही पानी जब नीचे जाता है तो यही पानी गंदा हो जाता है। तो अपना लीन करते हुए धीरे धीरे से अपने दिल्ली की तरफ बढ़ते हुए, तो यार मज़ा आता है यहाँ पे। जो बाइक चलाने का एक्सपीरियंस है ना भाई साहब, बहुत डिफरेंट है, बहुत अलग है। यू नेवर कैलकुलेशन इट। अब यहाँ पे आके वही होगा यार कि सिद्धार्थ में हो जाएंगे अलग अलग। क्योंकि जाम आता है तो हम दोनों भाइयों को अलग अलग रास्ते बनाने पड़ते हैं। तो
ये सारे जा रहे हैं राफ्टिंग करने के लिए। अपने चीते ने बहुत साथ दिया, एवरेज के मामले में बात करूं भगाने के मामले में तो सच में यार चीता लव यू लॉट। सही में हम जैसे अपनी गाड़ी की केयर करते हैं ना, वैसे ही वो हमें रिस्पॉन्स करती है भाई, ये बात तो 100% श्योर है। तो इसलिए पर्सनली एक ओपिनियन है आप लोगों के लिए मेरा भी कि यार अपनी गाड़ियों की केयर किया करिए, बिकॉज जैसे आप उसको दोगे वही आपको वैसे रिटर्न बैक वापस मिलेगा। तो यहाँ से बढ़ते हैं हम वापस अपनी जर्नी की तरफ ऊंची ऊंची वादियों के साथ। सिद्धार्थ भाई है मेरे पीछे। वापस जा रहे हैं दिल्ली द पोपा राइडर। TheSpoPeyRider नहीं, ये वाला है। ओके भैया। तो भाई साहब भैया मिले, राइड का नाम पूछ रहे थे चैनल का, तो बताया मैंने, तो इतने में सिद्धार्थ भाई हो गए गोली। तो उन्हें पकड़ना है जरूरी क्योंकि मंजिल में अभी है बहुत दूरी। अच्छा जी, सिद्धार्थ भाई ने हमारा वेट ही नहीं किया। गुस्सा आ गई मेरे को अब इस बात पे। सिद्धार्थ भाई इतनी आगे बगली है भाई साहब, नजर ही नहीं आ रहे दूर दूर तक, चिकनी चमेली बना गए भाई। रुको जरा, सबर करो। कहीं नहीं मिले, यहाँ जरूर मिलेंगे। ये देखिए मिल गए ना, क्या बोला था मैंने। सिद्धार्थ भाई ध्यान से, व्हाट आर यू डूइंग ब्रो। ये बंदा कभी कभार मेरी ऐसी फाड़ देता है। क्या बोला तूने? ये बंदा कभी कभार मेरी ऐसी फाड़ देता है कि भाई क्या बताऊं। आते वक्त तो इतनी मेरे को नहीं लग रही थी थकान यार, पर जाते वक्त यार आई एम टायर्ड यार, पता नहीं यार क्यों ऐसे मोड़ के आई फील हाउ इज इट पॉसिबल। आते वक्त तो ऐसा नहीं था यार। सलाम ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है मेरे को ये नहीं पता लग रहा। बस हम इस बंदे के पीछे जा रहा है।
तो ऋषिकेश की चढ़ाई अपनी हो गई है खत्म, आ गए हम एक सेफ पॉइंट की तरफ। तो अब यहाँ से दिल्ली का रास्ता है सीधा, तो यहाँ पे करते हैं अपने भाई का वेट, सिद्धार्थ भाई का। 2 hours later. उसी रास्ते की तरफ जहाँ से हम ऋषिकेश की चढ़ाई के लिए गए थे, तो ये भी कम से कम है कुछ 4 से 5 किलोमीटर का रास्ता, तो थोड़ा आई पकड़ के भगाते हैं। व्यू देखिए यार, इतना औसम व्यू, पानी बहता हुआ ये जा रहा होगा, दिल्ली विल्ली जाएगा क्योंकि यही रास्ता दिल्ली का ही है। तो दिल्ली मेरठ, बाइकर जो है भाई सारे रूल्स तोड़ देते हैं राइडिंग के, क्योंकि हम क्या पार्किंग में खड़ा रहे भाई, हमें कौन सा, 4 पहिए हैं हमारे पास, 2 पहिया है हमारे पास, 2 पहिया, और 2 पहिया कभी किसी का इंतज़ार नहीं करता भाई, वो अपनी मर्जी का मालिक होता है। गॉट इट। भाई साहब कितनी वेटिंग लिस्ट चल रही है, तो हमने तो सारी वेटिंग लिस्ट ही तोड़ दी भाई साहब। हमने कर लिया वहाँ पे पेट पूजा, मैगी वैगी हो गई है अपनी, सिद्धार्थ भाई मैंने कुछ खाया पिया, तो अभी अपनी जर्नी दिखा रहा है कुछ, बहुत लंबा सफर है अभी तो यार, मेरा घर दिखा रहा है कुछ 240 किलोमीटर दूर, 240, ठीक है जी चलते हैं फिर। तो चलते हैं फिर जी यहाँ से टोपा टॉप बढ़िया तरीके से, बैग अपना पीछे मैंने बांध लिया है, फिक्स हो गया है अच्छे से तकरीबन तकरीबन। बाकी मौसम ऐसा है कि धूप नहीं है ज़्यादा, तो गर्मी भी बोल सकते हैं कि थोड़ी बहुत तो है, मेरी शर्ट जो है पूरी वेट हो गई थी पसीनों से, दैट्स व्हाई मैंने शर्ट को उतारा एंड टी शर्ट पहनी। वाओ क्या हवा यार, देखो भाई ऑसम, भाई सब कहां जाम में फंस गए हम यार,
अच्छा खासा को रास्ता था। भाई साहब कल वाली हालत हो गई है फिर से जाम में। कितना जाम लगा हुआ है आप देख सकते हो, पीछे तक कहाँ तक लंबा जाम है। पर हमारे पास है अपनी V3, तो हमने उस जाम से छुटकारा पा लिया है। तो ये अपना रास्ता जा रहा है दिल्ली की तरफ, यहाँ से निकलते हैं बढ़िया से आराम आराम से। थोड़ा सा कहीं पे रोकूंगा, थोड़ा रेस्ट करूँगा, बिकॉज सिद्धार्थ भाई रह गए हैं पीछे और हम आ गए हैं आगे। तो रेस्ट करने से ये भी हो जाएगा, थोड़ा मेरी जो लेजीनेस है, थकान है, सारी मिट जाएगी। क्योंकि अब हम ऋषिकेश से निकल के वापस हरिद्वार में आ गए हैं, तो यहाँ से तो सीधा सीधा अपना सफ़र है लंबा लंबा, 4 घंटे का कुछ सफ़र दिखा रहा है घर का, यानी कि 5-6 बजे तक का दिखा रहा है। बाकी कोशिश यही करेंगे कि जल्दी से जल्दी कवर कर सकें। तो हम लेफ्ट साइड में लगा के कुछ खाने पीने का खोजता हूँ यार, तो यहाँ लगाते हैं अपनी बाइक और सिद्धार्थ भाई का करते हैं वेट। 6.5 hours later मैंने किया सिद्धार्थ भाई का वेट और प्यास भी लग रही थी तो मैंने कुछ सोडा वगैरह पिया, जिसके बाद एक नई एनर्जी दोबारा से आ गई। तो हम ऋषिकेश उतर के आ गए हरिद्वार और 223 किलोमीटर की मेरे घर की अभी दूरी रह गई है। तो 223 किलोमीटर पार करने के लिए मेरे को 250 किलोमीटर सोचना पड़ेगा। तो अब चलेंगे धुएधार बाइक के साथ अपनी। तो बम बम भोले, जय माता दी, ओम नमः शिवाय, भगवान रक्षा करना, जीते ध्यान से, वी हैव टू डू। तो अब लंबा लंबा चलना है, बस हमें ध्यान से संपर्क बना के और चीज़ों को ध्यान में रख के बिल्कुल भी इधर उधर इंटरफेयर नहीं करना है। तो बाय बाय हरिद्वार, वी विल मीट यू सून। रात को इसी रास्ते से हम आए थे और इसी रास्ते से वापसी की जा रही है। तो यहाँ से लंबा लंबा दिल्ली अपना 220 किलोमीटर पार करना है। कल जब मैं रात को आया था तो मेरी जो स्पीड थी परसों 1 किलोमीटर में 1 मिनट में पार करना था, तो उसी हिसाब से देखा जाए तो 2 घंटे 2.5 घंटे का सफ़र है अभी। मज़ा है बंदे के साथ टूर करके यार, क्योंकि बहुत एक्सपीरियंस है पर्सन, बहुत एक्सपीरियंस है, आपको छोटी छोटी चीज़ों की समझ देता है और आपको बात बताता है कि आपको क्या सोचना चाहिए क्या नहीं। भाई अपनी गाड़ी के अंदर हो गया है पेट्रोल पूरा, टैंक हो गया है फुल, 650 का ऑयल जो है सिद्धार्थ भाई की में आया, 650 का ऑयल मेरे में आया। लड़की की विदाई चालू हो गई है, लड़की की विदाई चालू हो गई है, गजब बेइज्जती है, लड़की की विदाई चालू हो गई है। तो रवाना हो गए दिल्ली के लिए।
टंकी हो गई है फुल पेट्रोल से, बिकॉज पेट्रोल की टेंशन ज़्यादा थी, बिकॉज यहाँ पे पेट्रोल ही नहीं मिल रहा था और मेरी गाड़ी में लगा था 3 पॉइंट, बट मेरी टैंक हो गया बिल्कुल फुल। तो अब अपना जो ये है शेरा घातक तूफान फुल मस्ती में जाएगा। मौसम अच्छा हो रहा है, जाते वक्त भी अच्छा था और मेरे को आते वक्त भी अच्छा मौसम मिला। बारिश नहीं हो रही है, अच्छी खास बात हुई, जाते भी नहीं हुई थी, पर हवा चल रही है तो जिसकी वजह से काफ़ी अच्छा कूल फील हो रहा है। धूप नहीं है, धूप में क्या होता है आदमी गर्मी से फ्रस्ट्रेट होता है, तो वो चीज़ है हमारे साथ। तो टोल आ गया है फर्स्ट हमारा, 3 टोल पार किए थे मैंने दिल्ली से आते वक्त, जाते वक्त भी मेरे ख्याल से 3 टोल के आसपास ही पड़ेगा। तो फर्स्ट टोल अपना आ गया है, ये देखो ये चाली। फिर बंदा दिखाई देता थोड़ी देर तक, तूफान हो जा शुरू। कैसा लगा मेरा मजाक? He is driving like a fuck up boy. अबे बीके तेरी बहन की। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं ये? बहन का एकदम से पीछे लिया है इसकी। सॉरी यार मैं बुरा बंदा नहीं हूँ, बट आखिर टाइम पे मेरे मुंह से गाली निकल जाती है। हरामी हो बेटा, देख रहे हो उनको साले को गाड़ी चलानी आती नहीं है, अपनी मम्मी का खसम समझ के कहीं भी निकाल देते हैं। क्या बोला तूने? मम्मी का खसम समझ के कहीं भी निकाल देते हैं। भाई साहब मुझे यहाँ यमराज जी दिखे अभी, तो मुंह से गाली नहीं तो क्या प्रसाद निकलेगा क्या? ये बताओ वो बंदा मेरे आगे वो बचा फिर मैं बचा, what the fuck यार। वो कहते तेज चला रहे थे, अबे बहन की आंख हम तेज चलाए धीरे चलाए, what the fuck help this, हम तो जैसे भी चलाए। आप जो रूल रेगुलेशन ढंग से नहीं करता उसकी गलती मानी जाती है या जो तेज चलाता है उसकी गलती मानी जाती है? हाँ यार ऐसे में बड़ा सख्त लौंडा हूं, लेकिन यार यहां में पिघल गया। तो भाई साहब यहां पर आ गए हैं हम, फिर से इंतजार कर रहे हैं अपने सिद्धार्थ भाई का। 2000 years later. फिर वही हुआ जो हर बार होता है, वो निकल गए आगे, अब उनके पीछे जा रहा हूँ मैं। वो रे शायद
यार अब मैं भी कुत्ते की तरह भगाता हूँ, वो देखो वो उनको मतलब ही नहीं कि ये पीछे आ रहा है नहीं आ रहा है, तो अपने में ही भाई खुश रहते हैं। तो ये मेरे टैक्स पैसे पे चल गया हूँ मैं, भाई उस साइड निकल गए क्योंकि उन्हें नोएडा जाना है और मुझे सीधा जाना है दिल्ली। मेरा घर यहाँ से 33 किलोमीटर दिखा रहा है अभी, तो हम सीधा निकल जाएंगे। भाई सिद्धार्थ भाई उनको मैसेज डाल देंगे घर पहुँच के एट होम, तो यहाँ से चलते हैं जब घर की तरफ हम। क्या गए हैं हम, थोड़ा घर होगा मेरे यहाँ से 16 या 15 किलोमीटर, तो 16 किलोमीटर दिखा रहा है, तो 16 किलोमीटर मैंने पार कर चुका हूँ 35 किलोमीटर का, तो अब घर ज़्यादा दूर नहीं है। यह आ गया अपना अक्षरधाम टेम्पल। जैसे जैसे घर पास आने को होता है ना, जर्नी उतनी लंबी लगने लगती है। अब घर पास में जर्नी लग रही है और लंबी, यार आ जाता अब तक तो। यार मेरे ख्याल से सिद्धार्थ भाई पहुंच चुका होगा। बच्चे का रिएक्शन देखो भाई साहब। चलो भाई रेड लाइट हो गई ग्रीन। तो यहाँ से अपना घर दिखा रहा है कुछ 8 से 9 किलोमीटर दूर। तो वही कंजस्टेड एरिया आ गया है, शुरुआत हो चुकी है कंजस्टेड एरिया की, चिपकम चिपकी झपकम झपकी। बाकी अपने घर के नज़दीक मैं पहुंच चुका हूँ। तो गाइस नेक्स्ट व्लॉग में मिलता हूँ मैं आपसे, तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए, क्योंकि दो वक्त में आके वही जाम वाम आ जाएगा यार, तो क्या फ़ायदा वो सब चीज़ दिखाने का। तो ठीक है गाइस, आप लोग अपना ध्यान रखिएगा, मैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग के अंदर मिलता हूँ। गुड बाय, टाटा।